नमस्कार दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे RBI ग्रेड बी के एग्ज़ाम जो अभी हाल फिलहाल हुआ 16 अगस्त को, जिस एग्ज़ाम था उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, और इस बार के जो पेपर आया था RBI ग्रेड बी का उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात जो है कि RBI ग्रेड बी का जो पेपर जो है इस साल का है वो काफ़ी डिफरेंट था। डिफरेंट इन द सेंस कि अगर मैं कहूँ कि जनरल अवेयरनेस, जैसे कि RBI ग्रेड बी ने सिलेबस में लिखा था, तो इस बार जनरल अवेयरनेस नहीं आई थी। जनरल अवेयरनेस के साथ साथ और भी बहुत कुछ आया था। जनरल अवेयरनेस तो थी ही थी, उसके साथ ही जीके के कुछ पोर्शन भी रख दिया था RBI ने, जैसे कि सिख एरा का कुछ पोस्ट दिया था, या कुछ भी जीके से रिलेटेड जो है अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन थे, जैसे मुझे पता चला कि 10 क्वेश्चन थे। और जो पेपर था वो जो रट्टा फिक्सेशन बेस्ड नहीं था, मतलब कि जिसने साल भर पढ़ाई करी है और जो रेगुलरली हिंदू एडिटोरियल से इकोनॉमिक टर्म्स ये पढ़ता रहा है, जस्ट यू कैन से कि UPSC टाइप के क्वेश्चंस थे कुछ इसमें। तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो है इस बार काफ़ी अलग था, जैसे कि लोग इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते थे, 80 में से 70 मार्क्स से स्कोर कर लेते थे, तो इस बार शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी थी कि इस बार जो रीजनिंग और इंग्लिश क्वांट ये आए थे ये काफ़ी ईजी आए थे, तो इस चक्कर में जो है कट ऑफ जो है इस साल थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे पिछले साल कट ऑफ की। तो देखो, पिछले साल का जो कट ऑफ था वो जनरल के लिए 78 गया था, OBC के लिए 68। ठीक, तो 10 10 नंबर, 10 5 नंबर का अंतर होता है। ठीक, तो ये जो सेक्शन है इस बार जो है इसमें तो डाउन होगा, कुछ ना कुछ कट ऑफ कम होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा। ठीक, क्योंकि UPSC वाले एस्पिरेंट्स जो हैं वो देते हैं पेपर, तो उनको ये सब चीज़ें काफ़ी उनके टिप में होती हैं, जैसे कि GK क्वेश्चंस आए थे, तो थोड़ा सा तो कम होगा लेकिन ज़्यादा कम नहीं होगा। हाँ, लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश और क्वांट के जो जो मार्क्स कह सकते हो आप वो बढ़ सकते हैं इस बार। ठीक, तो कट ऑफ जो है ओवरऑल इस बार बढ़ेगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि 2016 में, तो 2016 के जैसे कि कट ऑफ है, तो इस इधर 2016 में थोड़ा पेपर इजी था, तो कट ऑफ देखिए बढ़ गया था, 98 हो गया था। 2015 में 88 हो गया था। ठीक, तो कट ऑफ जो है इस बार आप कह सकते हो कि 2016 के कंपेरिजन में ही रहेगा। ठीक, तो इसी हिसाब से ही आपको सेट करना है कि कितना कट ऑफ आएगा और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपने 120 या 125 अटेम्प्ट किया है, तो एक गुड स्कोर है, सेफ इस मतलब अटेम्प्ट आप कह सकते हो कि आप उतना आपने अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो आप ज़रूर ही सेलेक्ट हो जाओगे, आप प्रीलिम्स निकाल लोगे, क्योंकि प्रीलिम्स तो जस्ट क्वालिफाइंग है, फिर इसके बाद मेंस में ही सब कुछ होता है। ठीक, तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो मैंने जो बनाया है मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो जनरल के लिए कट ऑफ जाएगा वो 110, OBC के लिए 10 नंबर आप कम कर लो, 10 100 नंबर, SC के लिए 90, ST के लिए 80। तो SC ST में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, 5 नंबर जाए, तो ये आप जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से इतना कट ऑफ जाना चाहिए। ठीक, और अगली बार जब पेपर आएगा RBI ग्रेड बी 2019, तो आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है, आपको साल भर के लिए जो है करंट अफेयर्स, GK सब कुछ प्रिपेयर करना, क्योंकि पता नहीं कैसा पेपर आ जाए। ठीक, और जो इंग्लिश के पैसेज थे वो काफ़ी अच्छे थे, मतलब जो मैंने देखे हैं उसमें पैसेज आए थे वो, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स या फाइनेंशियल एक्सप्रेस, तो इनसे जो फाइनेंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स से आए, तो जो लोग उस टॉपिक्स को या न्यूज़पेपर उस टाइप के पढ़ते रहते हैं उनको काफ़ी आसानी हुई थी। जैसे कि कुछ लोग मुझे मिले थे, वो ये कह रहे थे कि एक बार में ही समझ में आ गया था कि अच्छा ये पैसेज क्या है ना क्या जरा, जैसे कि एक करेंसी डिवेल्यूएशन पे कोई पैसेज आया था। ठीक है, तो आराम से जो उस टाइप के टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं तो उनको पता होता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है ये, और कुछ क्वेश्चन जैसे थे कि मतलब कि जनरल आए थे, जैसे कि रिवर्स रेपो कम कर देंगे तो क्या होगा, रिवर्स रेपो बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अपने चैनल में डिस्कस किया था शायद एक किसी वीडियो में, कि मैंने बताया था कि रिवर्स रेपो का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये UPSC बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर लोग इसको नहीं देखते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो है RBI ने इस बार रख दिए थे। तो अप्रॉक्स जो मेरा मानना है कि 10 क्वेश्चन जो है वो जनरल उस पर रखे थे, और क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे जनरल अवेयरनेस के, लेकिन जो रेगुलर जो स्टडी करते हैं उनके लिए जो है वो काफ़ी आसान था इस बार का। तो अगर ओवरऑल एनालिसिस करूँ मैं, तो इस बार का जो पेपर था वो इजी था कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर। ठीक, तो जो मेरा मानना है, और जो लोग 2019 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि पूरे साल का करंट अफेयर्स आता है। ठीक, RBI ने पिछले प्रीवियस ईयर लिख के क्वेश्चन पूछ दिया था, तो अगर आप जो सोच रहे हैं कि 3 4 महीने की GK पढ़ के जाएंगे तो आपका हो जाएगा, तो इससे थोड़ा बचिए, प्रीवियस ईयर के कुछ जो 1 साल के करंट अफेयर्स है उसको पढ़ के जाइए। तो बस
इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।